तो दिल्ली से एक बेहद ही शर्मनाक घटना जो है वो सामने आ रही है। दिल्ली में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद सर मुंडवाकर कालिख पोत कर जुलूस निकलवाया गया। ये आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरफ हमारा देश, किस तरफ हमारा भारत जो है वो बढ़ रहा है। एक रेप विक्टिम के साथ इस तरीके का बर्ताव, जहां एक रेप विक्टिम को सहारे की जरूरत होती है, सहानुभूति की जरूरत होती है, तो उस वक्त इतना शैतानी बर्ताव जो है वो किया गया है, वो भी सरेआम हर जगह आपको महिला दिखाई देंगी। आप आवाज साफ तौर पर सुन सकेंगे कि किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। सामूहिक बलात्कार के बाद सर मुंडवाया गया, उसके मुंह पर कालिख पोत पाई गई, गले में जूतों की माला पहनाई गई, और उसके बाद साफ तौर पर देख सकते हैं 3 अवैध शराब विक्रेताओं ने महिला के युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग भी अब हरकत में आ चुकी है। दिल्ली पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। हालांकि 4 आरोपी गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। क्या कहा है राष्ट्रीय महिला आयोग ने, सुनिए। और उस वक्त उस घर में बहुत सारी औरतें खड़ी थी जो कि उन लड़कों को और उकसा रही थी कि और बुरी तरीके से गैंगरेप किया जाए। इस लड़की का सर के बाल काटकर उसको गंजा कर दिया गया, उसको चप्पल की माला उसके ऊपर लगाई गई, और उसके बाद उसके पूरे मुंह को काला करके बहुत बुरी तरीके से मार पीट कर उस लड़की को पूरे इलाके में 1 घंटे तक घुमाया गया। मैं दिल्ली पुलिस को नोटिस इश्यू कर रही हूँ इस मामले में। मैं चाहती हूँ कि ये जितने भी लोग हैं, जितने भी आदमी और औरत इन्वॉल्व हैं इस मैटर में, उन सबको अरेस्ट किया जाए और लड़की को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। ये जो शराब बेचने का, अवैध शराब बेचने का दिल्ली में बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है, हर गली में धंधा चल रहा है, इसको रोकना बहुत जरूरी है और इन क्रिमिनल्स के ऊपर शिकंजा कसना बहुत जरूरी है।